नमस्कार, प्रभा साक्षी न्यूज़ नेटवर्क पर आप सभी का स्वागत है। इस वक्त हम हैं उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में। लखनऊ में होने का कारण बड़ा खास है। आज प्रदेश को 60,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की बड़ी सौगात मिली है। 5 महीने पहले योगी सरकार ने एक इन्वेस्टर समिट आयोजित किया था, जिसमें 4.5 लाख करोड़ से ज़्यादा परियोजनाओं के जो MOU हैं वो साइन हुए थे। आप देखिए कि योगी सरकार ने 5 महीने के अंदर सारी जो क्लीयरेंसेस थी इन परियोजनाओं के लिए दे दी और 60,000 करोड़ रुपये का जो निवेश था वो धरातल पर आया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी का उद्घाटन किया और प्रधानमंत्री ने कहा कि ये ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी नहीं, ये रिकॉर्ड ब्रेकिंग सेरेमनी है। तो आइए इस खास रिपोर्ट में देखते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश की सरकार के बारे में क्या कहा और जो उत्तर प्रदेश में किस तरह से निवेश आ रहा है, देश कैसे आगे बढ़ रहा है, उस पर क्या क्या बातें कही। हमारे से बोल रहे थे बड़ी नम्रता और विवेक से, ऐसा कह रहे थे जैसे 7,000, सिर्फ 7,000। आपको भूख ज्यादा हो मुझे अच्छा लग रहा है, लेकिन मैं लंबे अरसे तक मुख्यमंत्री रह के आया और औद्योगिक गतिविधि से जुड़े राज्य से आया। 60,000 कम नहीं होता है जी, 60,000 करोड़ बहुत बड़ा होता है। आपको अंदाज नहीं है आप लोगों ने कितना बड़ा अचीव किया है। मैं यहाँ के अफसरों को भी बधाई देता हूं। ये आपने अकल्पनीय काम किया है। मुझे मालूम है कि पूंजी निवेश में कैसी कैसी चीजें आगे आती हैं। एक कोर्ट कचहरी में कागज चला जाए, 2-2 साल तक काम तक कर पाए। एनवायरमेंट वालों के ऊपर चला जाए तो ऊपर बैठ जाता है। और किसी अखबार वाले के हत्थे चढ़ गया तो बस ही। फिर तो सरकार भी लग जाती है, उसको काम दे या न दे, करने दे या करने दे, क्योंकि राइवलरी ग्रुप के लोग भांति भांति के खेल खेलते हैं। इन सारे संकटों को पार करते हुए 5 महीने के भीतर भीतर ये मोमेंटम लाना, 60,000 करोड़ रुपए पूंजी निवेश का काम प्रारंभ होना, ये अद्भुत सफलता है जी। मैं अनुभव के आधार पर कह रहा हूं। हम बोलने लोग रहेंगे जी, ये उद्योगकारों के पागल में खड़े रहने से डरते हैं, वरना कुछ लोगों का आपने देखा होगा उनकी एक फोटो आप नहीं निकाल सकते किसी उद्योगपति के साथ। लेकिन एक ऐसा उद्योगपति ऐसा नहीं हो जिन्होंने उनके घरों में जाकर के साष्टांग दंडवत न किए हो। अमर सिंह यहां बैठे, उनके पास सारा किसी के साथ खड़े होने से दाग नहीं लगते। इतना पवित्र था उनको बिरला जी के घर परिवार में जाकर के रहने में कभी संकोच नहीं हुआ, बिरला जी के साथ खड़े रहने में उनको कभी संकोच नहीं हुआ। नियत साफ थी, जिन लोगों को पब्लिक में तो मिलना नहीं है पर दे के पीछे सब कुछ करना है वो डरते रहते हैं। अगर हिंदुस्तान को बनाने में एक किसान का मेहनत काम करती है, एक कारीगर की मेहनत काम करती है, एक बैंकर फाइनेंसर की मेहनत काम करती है, एक सरकार के मुलाजिम की मेहनत काम करती है, एक मजदूर की मेहनत काम करती है, वैसे देश के उद्योगकारों की भी देश को बनाने में भूमिका होती है। प्रदेश सरकार ने आज 60,000 करोड़ रुपए के जो परियोजनाएं थी उसकी शुरुआत तो कर दी, लेकिन इन पर अमली जामना कितना पहनाया जाता है ये देखने वाली बात होगी। और फिलहाल देश दुनिया की ताज़ा खबरों को देखते रहने के लिए आप लॉग ऑन करें प्रभासाक्षी.com। कैमरामैन वेद प्रकाश के साथ मैं नीरज कुमार दुबे लखनऊ से।